शांति। आज की तारीख है 11/11/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। किसने कहा? पतित पावन। हम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए मीठे मीठे प्यारे प्यारे पतित पावन बाप ने कहा कि मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं है। अभी हम पतित जब तक हैं तब तक हम गति सदगति के लायक नहीं, इसलिए बाबा हमें पहले पावन बनाते हैं, फिर हम बच्चों को मुक्ति धाम ले चलेंगे और फिर हम वापस सदगति अर्थात स्वर्गीय सृष्टि में आकर के राज्य करेंगे। तो बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है पिताव्रता किसे कहेंगे? हाँ, पतिव्रता तो सुना, लेकिन पिताव्रता भी बच्चे होते हैं, तो पिताव्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है पिताव्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। जो पूरा श्रीमत का पालन करेगा उसे ही तो आज्ञाकारी कहेंगे। तो जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं, जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालाते उनके विचार भी क्या होंगे? सर्विस के प्रति ही सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र हो जाता है, वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। गीत बजा है मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दो बातें। नंबर एक है अव्यभिचारी पिताव्रता हो रहना है। अव्यभिचारी माना एक बाप को ही याद करना, किसी भी देहधारी के याद में न रहना। और पिताव्रता माना जो श्रीमत हमें मिल रही है उसका पालन करते चलना। तो याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है, क्योंकि याद से ही हम पावन बनेंगे। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्फ को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बनकर सेवा करनी है। वरदान है हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूरत विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य को करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है आज का स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
Thank you.